राम राम मित्रों स्वागत आपका राजथान यूट्यूब चैनल पे मैं अशोक कुमार मीना दिल से आभार प्रकट कर रहा हूं जो इस सीरीज को आप लाड़ प्यार दे रहे हो इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि हमें समय का बचत करना और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना यानी सवाल भार नहीं जाएगा बस तरीके दो हैं एक तो मेरे पढ़ाने का अंदाज मैंने अलग अपना रखा है और एक ये चीज मुझे बोर्ड पे पर ऑलरेडी मैंने लिख रखी है और स्टूडेंट को आज के जमाने में इन्हीं की आवश्यकता है इनके बिना स्टूडेंट सफलता प्राप्त करना मैंने असंभव तो नहीं कहूंगा लेकिन कठिन जरूर है तो आप ऐसी सीरीज का बिल्कुल आपको दिल खोल के स्वागत करना है सभी दोस्तों तक पहुंचाना है और बता देना है अभी बिल्कुल रायथान लेके आ रहा है ऐसी सीरीज जो हमारी बहनों के लिए भी समय बचत करेगा जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं बाहर कम समय है बिल्कुल आई है स्वागत है राजस्थान जी के में सीखे रायथान से क्या कह रहे हैं अर्जुनलाल सेठी मित्रों इनका जन्म हुआ कब हुआ 1880 में जन्म कब हुआ ये जयपुर में, में, में राष्ट्रीयता का जन्मदाता कहा, का कहा जाता है दोनों क्वेश्चन अच्छे बनते हैं कि बताइए कि आपके राजस्थान में राजपुताना में जन्मदाता किसे कहते हैं और जयपुर राज्य में जन जागृति का जनक किसे कहते हैं तो हम दोनों क्वेश्चन किसके बनेंगे अर्जुनलाल के अब क्या हुआ साहब कि इन्होंने क्या किया कि आप ये नौकरी किया करते थे और नौकरी ये कहते हैं राजा माधव सिंह द्वितीय को यानी आपके नौकरी करते हैं इन्हें लगा अंग्रेजों को मुझे भारत से बाहर निकालना है मुझे काम करना है अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है और मुझे काम करना है तो दोस्तों इन्होंने क्या किया जो सरकारी नौकरी थी उसे इस्तीफा दिया और इस्तीफा क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए तो में माधो सिंह द्वितीय राजा थे माधो सिंह द्वितीय ने पूछा अरे लोग तो तो नौकरी नौकरी करने के लिए आते हैं आप तो से छोड़ रहे हो क्या बच्चों का पेट पालन करेंगे इन्होंने जवाब दिया श्रीमान अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा बढ़िया क्वेश्चन है श्रीमान अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा कि राजा माधव सिंह द्वितीय को जवाब दिया श्रीमान अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा यह जो कथन है इंपोर्टेंट कथन है और किसका लाल अर्जुनलाल से उन्होंने कहा या हमने कहा कि सब आप अकेले के नौकरी छोड़ने से क्या होगा सब लोग तो नौकरी छोड़ने से रहे आप यदि अकेला नौकरी छोड़ देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इन्होंने नारा दिया मेरा सिद्धांत है एक लो चला चालोरा सिद्धांत एक ला सिद्धांत किसका किसका है है अर्जुन लाल शेट्टी का हाकिम और हुकुम नारा मोतीलाल तेजावत का यही क्वेश्चन बनेंगे तो साहब एकला चलो किस क्रांतिकारी का है अर्जुन लाल सेठी का अब इन्होंने कहा यार मैं क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहता हूं क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना चाहता हूं लेकिन मैं कैसे करूं अगर मैंने खुले आम ट्रेनिंग दी तो सरकार मुझे गिरफ्तार कर लेगी हमें गिरफ्तार कर लेगा हम हमारे उद्देश्य में सफल नहीं होंगे ठीक है मैं ऐसे करता हूं जैन धर्म की आड़ में एक पाठशाला खोलता हूं और उस पाठशाला में जैन धर्म की शिक्षा ना देके हम क्रांतिकारी शिक्षा देंगे लोगों की नजर में क्या रहेगा लोगों की नजर में रहेगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों को सॉरी जैन धर्म की शिक्षा दे रहे हैं ठीक है ऐसे करते, है। करते हैं पहले हम प्रचार करते हैं किसी संस्था का प्रचारक समिति हो गया फिर ऐसे करते हैं हम सोसाइटी बनाते हैं शिक्षा सोसाइटी होगी और ऐसे करते हैं अब हम कोई पाठशाला खोलते हैं जैन वर्धमान पाठशाला होगा तीनों का क्रम पहले प्रचार करेंगे फिर सोसाइटी बनाएंगे फिर हम पाठशाला खोलेंगे क्या कहा पहले हम प्रचार करेंगे नंबर एक पॉइंट फिर हम क्या बनाएंगे सोसाइटी बनाएंगे ठीक है और फिर हम पाठशाला खोलेंगे यानी पहली संस्था है जैन शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर में उन्नीस में इसकी स्थापना हुई दूसरी हम क्या करेंगे सोसाइटी बनाएंगे फिर संस्था है जैन शिक्षा सोसाइटी अजमेर यानी अजमेर में है तो आप लोगों की जैन शिक्षा सोसाइटी कहां है अजमेर में है क्लियर अब क्या कह रहे देखिए ठीक है कि आप लोग जैन शिक्षा सोसाइटी अजमेर यहां तक बात खत्म हुई अब इसे जयपुर में स्थानांतरित करके इसका नाम बदल दिया गया और जैन वर्धमान पाठशाला खोल दिया 1907 में जो संस्था जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से अजमेर में जानी जाती थी अगले वर्ष उसे स्थानांतरित किया और स्थानांतरित करके उसका नाम परिवर्तन करके जैन वर्धमान पाठशाला खोला उन्नीस आठ में तो तीनों संस्थाएं हम पहले प्रचार करेंगे फिर हम सोसाइटी बनाएंगे फिर हम पाठशाला खोलेंगे अब बात आती है कि इसमें जो मान लिया की कि क्रांतिकारी शिक्षा दी जाती है तो क्रांतिकारी शिक्षा देने के लिए यहां अध्यापन का काम कौन करेंगे तो ध्यान रखना विष्णु दत्त जैन तो विष्णु दत्त जैन अध्यापक हुआ करते थे और क्रांतिकारियों को जो व्यवहारिक ज्ञान दिया करते थे वे मास्टर अमीर चंद देते थे तो एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि राजस्थान के क्रांतिकारियों को शिक्षित करने का क्रांतिकारी शिक्षा देने का जो काम कर रहे हैं वे काम कौन कर रहे हैं साहब अर्जुन लाल सेठी कर रहे हैं दोस्तों ये ध्यान रखना है इसमें शिक्षा कौन दे रहे हैं अध्यापक विष्णु दत्त जैन है और व्यवहारिक ज्ञान मास्टर अमीर चंद दे रहे हैं बात आई इसको चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी पैसा लाएंगे से तो ये लोग क्या करते थे तो बेकार लोग थे धनाढ़े लोग थे उनकी हत्या करते थे और उनसे पैसा लूट के लाया करते थे समय आया 20 मार्च 1913 का निमाज हत्याकांड यानी बिहार का एक मंत्र थे निमाज निमाज की हत्या कर दी कि धन मिलेगा लेकिन धन नहीं मिला इसी में क्या गए जेल गए तो इसमें कौन कौन थे मानक चंद थे विष्णुदत्त थे मोती चंद थे जयचंद थे तो ये लोग सब क्या थे इसमें थे थे जो इस हत्याकांड में शामिल मुखबिर कौन बने तो शो नारायण बन गए थे जिसने सबना जिसने सबसे भेद खुल गया और सबसे भेद खुल गया तो आपके निमाज हत्याकांड में सेठी को बंदी बनाया पहले जयपुर जेल में तथा बाद में वेलूर जेल महाराष्ट्र में मद्रास में रखा गया कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा पहले भी कह चुका अभी फिर बता दूं कौन सा क्रांतिकारी किस मामले में जेल जा रहा है ऐसे सवाल पूछ रहा है कौन सा क्रांतिकारी किस मामले में जेल जा रहा है तो ये जा रहे हैं आप लोगों के नमाज मंत्र हत्याकांड में ध्यान रखना बिहार के मंथ थे कहा रखा गया इन्हें मद्रास जेल में रखा गया अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों अब देखिए हम लोग बात करें कि ये आप लोगों के क्रांतिकारी गतिविधियों की हम लोग बात करें ये कुछ कथन यहां दे रखे हैं और उन कथनों की हम लोग बात करें तो देखिए आप अच्छी तरीके से क्या कह रहा हूं मैं कि आपके महेंद्र कुमार क्या कहा महेंद्र कुमार ये देखिए आप लोग पुस्तक पढ़िए आराम से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ये एक शब्द आया आप लोगों के पुस्तक के, अर्जुन लाल सेठी की पुस्तक कौन कौन सी है महेंद्र कुमार आपने पढ़ा है मदन पराजय पढ़ा है लेकिन दो पुस्तकें आपके पास नहीं है शुद्ध मुक्ति है और स्त्री मुक्ति और पार्श्वनाथ कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा खूनी और राज किसका है तो आप कहेंगे खूनी और राज अर्जुन लाल सेठी का गीत है कितना अच्छा क्वेश्चन बना है अच्छा क्वेश्चन इससे क्या हो सकता है बढ़िया अर्जुन लाल सेठी यानी अर्जुन लाल सेठी की जो आपका गीत है उस गीत का नाम क्या है खूनी और राज गीत है तो आपका निधन 1941 में अजमेर में हुआ कथन देखिए बाल गंगाधर तिलक जब आपके वेलूर जेल से आ रहे थे तो महाराष्ट्र होके आएंगे तो क्या कहा है बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र सेठी जी जैसे त्यागी देशभक्त और महान तेजस्वी का स्वागत करते हुए अपने को आज धन्य समझ रहा है अपने क्या समझ रहा है धन्य समझ रहा है महात्मा गांधी जी ने एक बार क्या कहा अर्जुन सेठी साहब ने कहा कि ऐसा है मैं क्रांतिकारी गतिविधियों से क्या होगा दूर होगा अब मेरा मन नहीं कर रहा है मैं क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करूंगा तो महात्मा गांधी ने समझाया सेठी जी यार कैसी बातें कर रहे हो आप जैसे तटस्थ लोग ही राजनीति से अलग हो गए तो फिर भारत को आजाद कौन कराएगा वे देखिए क्या कहा है सेठी जी आप जैसे लोग यदि राजनीति में तटस्थ हो जाएंगे तो देश कैसे आजाद होगा सेठी जी आप जैसे लोग यदि राजनीति में तटस्थ हो जाएंगे तो देश कैसे आजाद होगा और सुंदर लाल ने कहा है ददीची जैसे त्याग और दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया और क्या कहा है? जिसने अपनी दीपक किलो से हिंदुस्तान की क्रांति को चमकाया आज वे स्वयं भुज गया क्या कह रहा है कि आज वे स्वयं भुज गया ये कथन साथियों पूछे जाते हैं तो आपको किसी भी हालात में गलत नहीं करना है अपना अच्छे अंक आप लोगों को प्राप्त करना है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है और आयथान आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ है टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने समय की बचत कीजिए और अथा ज्ञान जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके ये कहूंगा पर्याप्त है उसे आप प्राप्त करें धन्यवाद राम राम साहब थैंक यू